नेपाल की वादियों से आई ये एक्ट्रेस बॉलीवुड में इलू इलू करते हुए नजर आई है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीषा कोइराला की। आपको बता दें कि मनीषा ने कैंसर जैसी बीमारी को मात दी है और इसके साथ ही मनीषा अब बॉलीवुड में भी वापसी कर रही हैं। जी हाँ, मनीषा अब चॉकलेटी बॉय के साथ नजर आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये चॉकलेटी बॉय। ये कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर हैं। रणबीर कपूर इस वक्त अपनी अपकमिंग मूवी की तैयारी कर रहे हैं जो कि संजय दत्त की बायोपिक है और उस फिल्म में मनीषा संजय दत्त की मां नरगिस दत्त का किरदार निभाती दिखाई देंगी। और सब कुछ ठीक रहा तो वो रियल लाइफ में भी एक बेबी गर्ल को गोद लेने की भी सोच रही हैं। मनीषा ने कहा कि वो एक लड़की की मां बनना चाहती हैं ताकि वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सके। वो उस बच्ची को अपने जीवन के अनुभव से बहुत सिखाएंगी। मनीषा बताती हैं कि वो जिंदगी के इस नए फेज के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। बता दें कि मनीषा अपना इलाज करवाने के लिए न्यूयॉर्क चली गई थी। अब वो पूरी तरह से ठीक है और साथ ही राजकुमार हिरानी की फिल्म में नई पारी की शुरुआत करने वाली हैं। संजय दत्त की बायोपिक में मनीषा के साथ परेश रावल, दिया मिर्जा और सोनम कपूर नजर आएंगी।